नॉमिनेशंस की जब प्रक्रिया हुई थी तो राहुल वैद्य और पवित्रा पुनिया के बीच में लगा था कि दोस्ती की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि राहुल को नॉमिनेशन से बचाने के लिए पवित्रा ने अपने कपड़े डिस्ट्रॉय कर दिए थे, वो भी तब जब उनके पास बिल्कुल कपड़े नहीं थे। लेकिन आपको बता दें कि कैप्टनसी एक ऐसी चीज है जो कि अच्छी अच्छी दोस्ती के बीच में दरार ला देती है, और राहुल और पवित्रा की दोस्ती की तो लगभग शुरुआत ही हुई थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, राहुल वैद्य और पवित्रा पुनिया के बीच में लड़ाई हो गई है और वजह कैप्टेंसी ही रही। घर में कैप्टेंसी का टास्क चल रहा है, जहां पर अली और राहुल वैद्य एक अलग प्लानिंग बना रहे हैं कि जैसे भी हो जाए लेकिन पवित्रा को कैप्टन नहीं बनने देंगे और धीरे धीरे करके सबको आउट कर देंगे। लेकिन पवित्रा का कहना होता है कि यार यही थी क्या, मैंने तेरे को इसीलिए बचाया था कि तू मुझे इस मोमेंट पे आके ये कहे कि तेरे को बनने ही नहीं देना है, तेरे को खुद बनना है। और यहाँ पर जान और उनके बाकी दोस्तों ने समझाते हैं कि आपने इसी के लिए अपनी इतनी सारी कपड़े सेक्रीफाइस किए थे, इसके लिए जिसके लिए आप बिल्कुल मैटर नहीं करती है। राहुल वैद्य उन्हें समझाते हुए नजर आते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इतनी ज्यादा समझाइश के बाद भी वो समझती नहीं है। तो राहुल वैद्य कहते हैं कि ये दोस्त है आप, ये आपकी दोस्ती है। तो पवित्रा का कहना होता है कि दोस्ती निभाई थी इसीलिए मैंने तुझे नॉमिनेशन से बचाया, लेकिन तू ये सिला दे रहा है। और पहली बात, पवित्रा पुनिया अकेली खड़ी है, किसी के साथ या सपोर्ट से नहीं खड़ी है, और वो डोमिनेट होती नहीं है, डोमिनेट करती है। और तेरे को जो मर्जी हो वो कर लो, पर मेरे को तुम यहाँ से निकाल नहीं सकते, मैं लास्ट मोमेंट तक लड़ूंगी और कैप्टेंसी की रेस जैसे भी हो मैं जीतूंगी जरूर। और इस तरीके से कैप्टेंसी को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर कटलेस अनसीन अनदेखा सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।